बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वेलकम टू माय चैनल आज हम अपने किचन में शीर खोरमा बनाएंगे तो उसके लिए मैंने तीन लीटर दूध लिए है फ़्रेश मिल्क है दूध बॉयल होने को आ रहा है इसमें मुसलसल स्पून चलाते रहेंगे अब दूसरा पैन ले लेंगे इसमें एक टेबल स्पून के करीब ऑयल ऐड कर लेंगे ऑयल गरम हो जाए तो इसमें एक पैकेट सेवैयों का ऐड कर लेंगे इसमें मैंने थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड कर लिया है अब इसमें सेवैयाँ ऐड कर लेंगे इसको अच्छी तरह मैंने तोड़ लिया है अब इसको भून लेंगे और स्लो फ्लेम पे इसको भूनेंगे ताकि जले नहीं सिवाइया अच्छी तरह फ्राई हो जाए इसका कलर थोड़ा सा चेंज होने लगे, ये अच्छी तरह भुन जाए तो इसको उबलते हुए दूध में ये भुन गई हैं तो इसको अब उबलते हुए दूध में ऐड कर लेंगे इसमें सारी सेवैयाँ ऐड कर लेंगे आपने शीर खरमा तो खाया होगा आप इस तरह बनाकर देखें आपको बहुत ही टेस्टी लगेगा अब इसमें ड्राई फ्रूट ऐड कर लेंगे इसमें मैंने बादाम और पिस्ता और छुआरे मैंने काट के ऐड कर लिए हैं आप कोई भी इसमें नट्स ऐड कर लेंगे कर सकते हैं इसमें एक कप के करीब मैंने इसमें शुगर ऐड कर लिया थोड़ा सा हम छोड़ लेंगे क्योंकि आधी शुगर हम कैरमलाइज़ कर लें करके डालेंगे इसमें मुसलसल स्पून चलाते रहेंगे ताकि नीचे से ना लगे अब दूसरे पैन में हम शुगर ऐड कर लेंगे इसमें टू कप के करीब शुगर लगेगी अब इस शुगर को स्लो फ्लेम पे कैरेइज़ कर लेंगे अब इलायची पाउडर बाकी का बचा हुआ इसमें ऐड कर लेंगे इसमें मैंने आठ से दस इलायची कूट के ऐड की थी कोई पहले ऐड की थी और कोई बाद में ऐड कर रहे हैं इस वक्त शुगर में कोई स्पून नहीं चलानी शुगर हल्की हल्की कैरमलाइज होने लगी है अब इसका कलर चेंज हो रहा है इसको बहुत ब्राउन नहीं करना वरना जला हुआ टेस्ट आएगा अब इसमें स्पून चला सकते हैं हल्का सा ब्राउन हो जाए तो हमारा ये तैयार है इसी से शीर खोरमे का टेस्ट एनहेंस होगा याद रहे फ्लेम स्लो रखनी है ताकि जले नहीं हल्का सा ब्राउन हो जाए तो इसको सवैयों में ऐड कर लेंगे ये हल्का हल्का ब्राउन होने लगा है ये तैयार है आप फ्लेम ऑफ कर लेंगे और इसको सेवैयों वाले मटेरियल में ऐड कर लेंगे इसको मजीद पाँच मिनट और पकाएंगे। अब ये तैयार हो गई है इसमें मैंने ऐसन मिला दिया है कोड़ा एसन इसमें ऐड कर लिए। अब हमारे शीर खोरमा तैयार हो गया है अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर करें जो नए देखने वाले हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पर वक्त मिल सके फिर नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़